हेलो स्टूडेंट, आई एम शबाशा सालवे, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक व्हिच इज पेडिग्री एनालिसिस, राइट। इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पूरा चैप्टर हो चुका है, बहुत टाइम से हम सब एक साथ हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसको जेनेटिक्स मेंडेलियन वाली आ गई, जिसको सारी चीजें समझ में आ गई, वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। एक बार कंसेप्ट समझने की जरूरत है, और यहाँ पर अब जब हम कंसेप्ट समझ चुके हैं तो अब लैंग्वेज हम कहाँ देखेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ हमें ध्यान देना है, कहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आज हम देख रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। याद हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर जब हमने किया था तो आपको मैंने कहा था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर को यदि आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। देखें क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन फैमिलीज। किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं, राइट, जो कैरेक्टर्स हैं वो फैमिली टू फैमिली में जा रहे हैं, कैसे जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह का डिसऑर्डर जो है पूरा आपको एक फैमिली चार्ट में देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। कुछ पिक्टोरियल ग्राफ हम बनाते हैं, कुछ हम सिंबल्स बनाते हैं जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि ये मदर फादर हैं, ये उनके ऑफस्प्रिंग है, किस में डिजीज है, किस में नहीं है, जो सिर्फ ओनली कैरियर है, किस तरह की प्रोजेनी हमें मिलेगी, सारी की सारी चीजें हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, राइट। क्या होगा, आप देखेंगे कि किस तरह का जो पिक्टोरियल ग्राफ है, मेल के लिए आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, फीमेल का राउंड, सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हमें इस तरह का पिक्टोरियल ग्राफ मिलेगा। फिर हम बात करेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो अफेक्टेड होंगे वो प्रॉपर कलर फिल्ड होंगे। मेटिंग, यहां पर आप देख रहे हैं मदर और फादर में क्रॉस हुआ है, ठीक है, मीटिंग हुई है, या मैरिज भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैरिज ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए मैटिंग ठीक है एज अ जेनेटिक्स एस्पेक्ट। मीटिंग बिटवीन रिलेटिव, यदि दो लाइन देख रहे हो तो यानी कि कजन्स के बीच में ही मैटिंग हो गई है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव। फिर यहां पर आप देख रहे हो ये जो पूरा एक पिक्टोरियल ग्राफ है कि यहां पर जो चिल्ड्रेन है, ठीक है, मतलब ये जो पेरेंट्स हैं उनके जो प्रोजेनी है, तो फर्स्ट जो बेबी है यहां से आप जाओगे, ठीक है, ये मदर फादर है तो आप यहां से जाओगे, ये वाला बेबी फिर ये वाला बेबी, ठीक है, तो यहां पर देखोगे फर्स्ट जो बेबी है इसकी वो कौन है, डॉटर है, और सेकंड बेबी जो है इसका सन है। पेरेंट्स अबव द चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर बर्थ लेफ्ट टू राइट, कैसे जाएंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहां पर आपको पता लग रहा है कि मेल चाइल्ड है और अफेक्टेड है, राइट, क्योंकि पूरा कलर्स में इनफील्ड है। फाइव अन अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, यानी कि एक तो हमें पता नहीं कैसा है बच्चा, मेल है या फीमेल है, अनस्पेसिफाइड है, लेकिन सारे के सारे कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं, ठीक है, फाइव कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं, आ जाओ। फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है हमारे पास, यहाँ पर हमने देख लिया मेल फीमेल मैटिंग, ये सारी चीजें हम देख ली। अब यहाँ पर देखो डायजायगोटिक ट्वीन, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि दो जायगोट हो सकते हैं, दोनों अपने आप में आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें मोनोजायगोटिक ट्विन की तो दैट मीन्स दोनों आइडेंटिकल है। डायजायगोटिक और मोनोजायगोटिक समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा बात करो कैरियर की, कैरियर आपको कैसे मिल सकता है, या तो आपको इस तरीके से मिल सकता है या आपको कैरियर ऐसे भी मिल सकता है, राइट। यहां पर हम देखें तो यहां पर आपको पता लग रहा है कि जनरेशन कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, तो यहां पर ये जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट हैं, उनके ऑफस्प्रिंग सेकंड है, तो आप देखोगे सेकंड जनरेशन में सेकंड बच्चा कौन है, सन है, कैसा है, अफेक्टेड है, यही बोला है। मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन कैसे होगा, हियर द प्रोस पोस्टियस इन चाइल्ड टू, चाइल्ड टू इन जनरेशन टू, जनरेशन टू तो कैसे लिखेंगे, सेकंड टू, राइट। फिर डन, क्लियर दैट, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human being began. क्या हुआ कि जैसे जैसे मेंडल के वर्क को स्टडी किया गया, वापस से चीजें देखी गई, तो देखा कि भाई किस तरीके से डिसऑर्डर चलते आ रहे हैं, कैसे फैमिली का एक ट्रेट बनेगा, ठीक है, चले आगे।
Since it is evident that control crosses that can be performed in a pea plant or some other organisms are not possible in the case of human beings. अब क्या हुआ, देखो पी प्लांट में या ड्रोसोफिला में हम बात करें तो ड्रोसोफिला में हमने फीमेल देखा भैया साइज में लार्ज है, राइट, उसका रेड कलर आया है या ब्राउन कलर आया है या किस तरीके की चीज़ें हैं हमने देखा, ठीक है, सॉरी रेड कलर है या वाइट कलर है, बॉडी उसकी ब्राउन है या येलो है, ये सारी चीज़ें. लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स में आप स्किन कलर देखोगे, कितना वास्ट वैरायटी है, राइट. यदि आप देखोगे हाइट, वास्ट वैरायटी है. आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आपने ऐसे क्रॉस करा ली ड्वार्फ से, है ना, टॉल की, तो आपको ह्यूमंस के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल. तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव. सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट, तो इन ट्रेट्स की एनालिसिस करने के लिए इन सेवरल ऑफ जनरेशन ऑफ फैमिलीज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. क्या किया ह्यूमंस के अंदर जनरेशन टू जनरेशन एनालिसिस करने के लिए कि किस तरह का ट्रेट जा रहा है, हमने क्या किया, पेडिग्री एनालिसिस किया. इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन. एक फैमिली ट्री बना लेते हैं. इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल ह्यूमंस के अंदर किसी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए, किसी ट्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टूल जो है बेहतरीन है. विच इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, कि जनरेशन से बहुत सारे जनरेशन में वो ट्रेट कैसा है, चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री. Some of the important standard symbols used in the pedigree analysis. हम कुछ symbols use करते हैं जो हमने पहले देख लिए हैं. Each and every feature in any organism is controlled by one or other gene located on the DNA present in the chromosome. क्या है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं जीन, ठीक है. DNA is a carrier of genetic information. ये पढ़ेंगे हम जब हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, सारी की सारी चीजें हम उस चैप्टर में देखेंगे. इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्ट्रेशन. हाउएवर चेंजेस और ऑल्ट्रेशन डू टेक प्लेस अकेजनली. जो चेंजेस हो रहे हैं वो अकेजनली होते हैं, राइट. हमने देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ऐसा तो नहीं है कि सभी को सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सभी को हीमोफीलिया, ऐसा नहीं है ना. चेंज सडन होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं, रेयर होंगे, सडन होंगे, क्लियर दैट. चले आगे. अब यहां पर आपको क्या है, देखो बच्चों पेडिग्री इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पेडिग्री पहचान में आनी चाहिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस टाइप की पेडिग्री है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, कैसी पेडिग्री है. जब आप ये पहचान जाओगे तो आपको चीज़ें ईजी आ जाएगी, आप आंसर ईजीली कर पाओगे. तो फर्स्ट हम देख रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट. ऑटोसोमल डोमिनेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो अफेक्टेड है पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हैं, लेकिन उनके सारे बच्चे अफेक्टेड हो ये ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सन अफेक्टेड है. पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑफ अफेक्टेड पेरेंट मे बी अनअफेक्टेड. कि भाई अफेक्टेड पेरेंट्स की जो प्रोजेनी होगी वो अनअफेक्टेड भी हो सकती है इन द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट. एम आई क्लियर, ठीक है. ये कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेंगे, ये सभी जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा. सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग क्या है, आप कैसे पता लगा सकते हो पेडिग्री का, जब आप ऑटोसोमल डोमिनेंट देख रहे हो तो आप देखेंगे दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन उनकी प्रोजेनी जरूरी नहीं है सबके सब अफेक्टेड हों, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, सभी जनरेशन में जाएगा, ये जनरेशन को कभी भी स्किप नहीं करेगा. सेकेंड में आ जाओगे ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव में आप देखोगे दोनों पेरेंट्स सही है, नॉर्मल पेरेंट्स हैं, बट बच्चे अफेक्टेड हैं, बच्चे अफेक्टेड हैं. तो यहां पर क्या होगी, जनरेशन स्किप हुई ना, पेरेंट्स नहीं है लेकिन बच्चे हैं, तो जनरेशन स्किप हुई. और जरूरी नहीं है कि अनअफेक्टेड बच्चों के जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो भी अफेक्टेड ना हो, क्लियर दैट. चलो अब हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव. एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हम क्या देखेंगे, हीमोफीलिया क्रिस क्रॉस,
इनहेरिटेंस. यहाँ पर आप देखो मेल को है, फिर फीमेल को हुआ, फिर मेल को हुआ, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिल रही है. किस में देख रहे हो? एक्स लिंक्ड रिसेसिव में. क्या मैं सही जा रही हूँ? इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आप देखोगे कि यहाँ पर मदर है, फिर सन है, फिर यहाँ पर डॉटर है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? क्रिस क्रॉस है. लेकिन यहाँ पर फादर यदि डिजीज्ड हुआ, तो डेफिनेटली वो डॉटर को होगा, सन को नहीं. ठीक है, अभी अपन रीड करते हैं. वाई लिंक्ड देखो, वाई लिंक्ड कैसा होगा? मेल में ही पाया जाएगा. तो सीधी सी बात है, सारे के सारे जो अफेक्टेड होंगे वो कौन होंगे? मेल्स होंगे. मेल 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 मेल. वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड जो है बहुत ईजी है समझने में. पेडिग्री बहुत आराम से समझ में आ सकती है यदि आप चीजों को क्लियर कर लो. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है. नेवर स्किप जनरेशन, जनरेशन को स्किप नहीं करेगा. चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड. जो चिल्ड्रन है अफेक्टेड पेरेंट्स के, वो जरूरी नहीं है अफेक्टेड हो. क्लियर? एग्जाम्पल्स देखेंगे हम किसके हमारे पास है. ऑटोसोमल जो डोमिनेंट है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखे गए हैं. माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, यहाँ पर क्या होंगे? हाथ पैर लंबे हो जाएंगे. अपना जो देखो, आप यहाँ पर इस पर्सन को देखो, इसका जो एल्बो है वो यहाँ पर आ रहा है, हमारा एल्बो यहीं तक ही आता है. तो दैट मीन्स क्या कह रहे हैं हम, यहाँ से जो इसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं. ठीक है, इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा लंबे हैं. पॉलीडिक्टाइल सिंड्रोम, पॉलीडिक्टाइल सिंड्रोम में क्या होगा? आपकी एक फिंगर एक्स्ट्रा होगी. ठीक है, आपका एक फिंगर जो है एक्स्ट्रा होगा. ब्रैंकीडिक्टाइल सिंड्रोम, यहाँ पर फिंगर छोटी बड़ी होंगी लाइक दिस. ठीक है, फिर अकेंड्रोप्लेशिया, अकेंड्रोप्लेशिया में क्या होगा? हाइट छोटी होगी लाइक दिस. यहाँ पर देखो, इन जो सर हैं ये एक्टर हैं. ठीक है, ये हाइट में छोटे, ड्वार्फिज्म पाया जाता है ऐसी डिजीज के अंदर. लेकिन आप इनके हाथ में एक, मैंने ये फोटो चला करके लिए है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इनके हाथ में है प्राइज, अवार्ड है इनके हाथ में. तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो कि कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सिचुएशन आपको नहीं रोक सकती यदि आपका विजन क्लियर है. तो आपका एम क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आप मेहनती हो, तो कोई भी सिचुएशन आपको नहीं रोक सकती. कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं बना है जो आपको रोक ले. सो प्लीज़, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने से ऐसे लोगों को देखो जिनको इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेज हैं फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो अपने आप मोटिवेशन मिलेगा. बहुत ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट करते रहना. क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, वॉट एवर, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर के आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना है. आप एग्जॉस्ट हो जाते हो डेली एक सेम रूटीन, 17 आवर्स का आप सेटिंग कर रहे हो, आप रोज इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रोज इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, एक समय पे आपको एग्जॉशन होगा ही होगा. आप बहुत ज़्यादा पैनिक फील करेंगे, आपको लगेगा मुझे नहीं करना है. लेकिन जब भी ऐसे सिचुएशन आए, सेल्फ मोटिवेशन करो. अपने आप को मोटिवेट करना दूसरों से द्वारा किए गए मोटिवेट से भी बढ़िया होता है, बेहतरीन होता है. जब आप अपनी क्वालिटी को पहचान लेते हैं, जब आप अपने वीक पॉइंट्स को पहचान लेते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन बन जाते हैं, यकीन मानिए, सीरियसली. तो यहाँ पर फिर है फैनिल थायो कार्बोनाइट टेस्ट टेस्टिंग. इसमें क्या होगा? आपको काली मिर्च का टेस्ट नहीं आएगा. ठीक है, समझ में आ गया. चले आगे, फिर हम देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा? स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप हो जाएगी. चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट माइट बी अफेक्टेड. यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है, लेकिन बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं. राइट, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने देख लिया है बच्चों, म्यूकस का ज़्यादा थिकनिंग हो जाना. अलकैप्टोन्यूरिया क्या है? हमने फेनिल किप्टोन्यूरिया पढ़ा था, यहाँ पर अलकैप्टोन्यूरिया है बच्चों. यहाँ पर क्या होगा? इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ये अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क ब्लैक कलर का यूरिन आता है. और जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे आईज हैं, है ना, हमारे ईयर हैं, जो भी आपके एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? ब्लैक, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर.
कालापन देख सकते हो। थैलेसी में हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, क्लियर दैट। सबके सिम्टम्स पता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मैंने क्या कहा था, जब फादर को डिजीज होगी तो डॉटर को होगी होगी, ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। जिसके मतलब फादर यदि अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर जो होंगी अफेक्टेड होंगी। डिजीज नेवर बी पास फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन नहीं जाएंगी। देखो यहां पर मदर से सन में जा रही है, ठीक है, मदर से सन में जा रही है, लेकिन यदि फादर को होगी तो डॉटर को जाएगी, फादर से सन को नहीं जाएगी। ऐसी जो डिजीज है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्लियर। चले आगे एग्जाम्पल देख लो, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये रहा, ठीक है, रेड सिंड्रोम, ये रहा, काफी भयानक सिचुएशन होती है बच्चों, राइट। चले आगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में मैंने कहा है क्रिस क्रॉस होगी, मेल फीमेल मेल, राइट, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, क्वेश्चन आ सकता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलेगा, स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप हो सकती है। नाउ एग्जाम्पल लेशनियान सिंड्रोम, यहां पर आप देख रहे हो फिंगर्स की हालत, ठीक है, डकिन सिंड्रोम यहां पर आप देख रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया हम देख चुके हैं, हीमोफीलिया की स्पेलिंग ठीक कर लो बच्चों, राइट, हीमोफीलिया। चले आगे, वाइलिंग, वाइलिंग में क्या होगा, मेल टू मेल डिजीज जाएगी, राइट, हॉलेंडिक टाइप, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑन द वाई क्रोमोजोम, सीन्स ओनली मेल नॉर्मली हैव वाई क्रोमोजोम, वाई लिंक्ड जीन कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन, कहाँ जाएगी, केवल फादर टू सन जाएगी। इट हैज ऑफन बीन सेड द लिटिल इज नॉन अबाउट द स्पेसिफिक जीन दैट माइट बी वाई लिंक्ड हॉलेंडिक इन देयर हेरिटेंस। इस तरीके से हमने क्या देखा है, पेडिग्री एनालिसिस कर लिया बच्चों। बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस तरह का पिक्टोरियल ग्राफ होता है, किस चीज के लिए, डिजीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री को पहचानना आना चाहिए, किस तरह की पेडिग्री है। कुछ कुछ जो मैंने पॉइंट्स दिए आपको, यदि वो लर्न है, वो आपको समझ में आ गए, तो आप इजीली पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हो। आई होप कि ये चैप्टर जो है हमारा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो आप दोबारा देख लो, लेकिन स्कोरिंग है, एक बार समझ लोगे ता उम्र नहीं भूलोगे, क्लियर दैट। फिर मिलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जब तक थैंक यू।